शाही भारतीय विवाह के पहले की रस्म। जन्म कुंडली के मिलाने के बाद लड़की को देखने और शादी को निश्चित करने के लिए लड़की का परिवार लड़के के घर जाता है। दोनों परिवारों के वरिष्ठ बैठे होते हैं और लड़की को लाया जाता है। लड़का इस पहली मुलाकात पर वरिष्ठ के साथ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि वो साथ हैं, तो लड़की और लड़की को बातचीत या निजी में बातचीत करने की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि ऐसी बैठकों में अधिक निगरानी रखी जाती है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो नियमित रूप से शादी की बात आगे बढ़ाई जाती है। नमस्ते, आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? नमस्ते, हम ठीक है। कृपया आप बैठिए। आशा करता हूँ कि पता ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, ये आसान था। क्या आप पहले इस शहर में आए हो? हाँ, पहले मेरे रिश्तेदार इस शहर में रहते थे। यह अच्छी बात है। क्या आपने जन्म कुंडलियाँ मिलाई? हाँ, हमने पहले ही करवा ली थी। वाह, यह तो अच्छी बात है। क्या लड़के और लड़की की कुंडलियाँ मिल रही है? हाँ, यह पूरी तरह से मिल रही है। ये तो बहुत अच्छा है। ये मेरी बेटी है। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाची। ये मेरा बेटा है। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाची। नमस्ते। नमस्ते। लड़की को चाय और नाश्ता देने में मदद करें। आप लोगों को एक दूसरे को जो कुछ भी पूछना है बेझिझक पूछ सकते हो। हाँ, एक दूसरे को थोड़ा जानो, बातें करो। इस बीच हम बड़े भी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी बेचैन हूँ। आपका व्यवसाय क्या है? मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, वे बहुत निर्दोष होते हैं। अब आपकी बारी है, मुझे बताओ कि आप क्या करते हो। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, जो मैं हमेशा बनना चाहता था। आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं? मैं आम तौर पर कॉन्टिनेंटल खाना पसंद करती हूँ, खासकर मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट में। क्या आप खाना बनाते हैं? बस कॉफी, वास्तव में दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी। अब मेरी बारी है, क्या आप किताबें पढ़ते हैं? मैं किताब पढ़े बिना सो ही नहीं सकती। वास्तव में मुझे नॉवेल पढ़े बिना नींद ही नहीं आती। शादी से आपकी अपेक्षाएं क्या है? मैं उस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे समझ सकता हो। क्या आपके कोई भाई बहन है? हाँ, मेरी छोटी बहन है, वह बहुत प्यारी है। मैं आपको अधिक जानना चाहती थी, इसलिए मैंने क्या पूछा। आप फिर से मिलना चाहेंगे? बेशक, मुझे आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं निश्चित रूप से आपको जल्द ही मिलूंगी। किसी भी इंसान के सामने आपकी सबसे पहली छवि आपके अंदाज और आपके पहनावे से बनती है, और ऐसे मौकों पर आप किस तरीके का पहनावा चुनते हो उस पर बहुत निर्भर करता है।
सबकी एक अलग पहचान रहती है और आपकी पहचान आपके पहनावे से होगी। तो आप लड़की के लिए ऐसी पोशाक चुनिए जो उस पे सबसे बेहतर दिखे। याद रखिएगा, पहनावे का एक दूसरे पर बहुत ही अच्छा आकर्षण पड़ेगा। चलो पहनावे के लिए लड़की की मदद करते हैं और उसे ज्यादा सुंदर बनाते हैं। एक अच्छी पोशाक को पसंद करें। एक आकर्षक क्लच चुनें। वाह, वह अपनी मुलाकात के लिए सही दिख रही है। किसी भी इंसान के सामने आपकी सबसे पहली छवि आपके अंदाज और आपके पहनावे से बनती है, और ऐसे मौकों पर आप किस तरीके का पहनावा चुनते हो उस पे बहुत निर्भर करता है। सबकी एक अलग पहचान रहती है और आपकी पहचान आपके पहनावे से होगी। तो आप लड़की के लिए ऐसी पोशाक चुनिए जो उस पे सबसे बेहतर दिखे। याद रखिएगा, पहनावे का एक दूसरे पर बहुत ही अच्छा आकर्षण पड़ेगा। लड़का अपनी मुलाकात को लेके उलझन में है, इसलिए उसे एक सर्वश्रेष्ठ पोशाक चुनने में मदद करें। एक अच्छी शर्ट चुनें। एक सुंदर ब्लेजर चुनें। एक बेहतरीन जींस चुनें। जूते की एक अच्छी जोड़ी। बहुत बढ़िया, वह शानदार लग रहा है और वह अपनी मुलाकात में लड़की को प्रभावित करने के लिए तैयार है। जोड़े को उस मुलाकात पर जाना है जिसका उद्देश्य है कि उन्हें एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने का मौका मिले। इस मुलाकात पर जोड़े का एक अच्छा संपर्क होगा। इस मुलाकात से पता चलेगा कि वे एक दूसरे के लिए सही जोड़ीदार है या नहीं। अपनी पसंदीदा प्लेट्स चुनें। कुछ सुंदर मोमबत्तियां चुनें। कुछ अच्छे फूलों को चुनें। उनके लिए अपना पसंदीदा मुख्य कोर्स चुनें। पीने के लिए कुछ चुनिए। अपने पसंदीदा स्टार्टर्स चुनें। अपनी पसंदीदा मिष्ठान चुनें। चलो जोड़े के लिए स्वादिष्ट भोजन चुनते हैं। क्या आप बेचैन हैं? थोड़ी सी। ठीक है, मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, मेरा मतलब आपका शौक क्या है? यह समय के साथ बदलता रहता है। कैसे? जब मैं 18 साल की थी, मैं एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं शिक्षण को पसंद करती हूँ। तुम्हारा शौक क्या है? मैंने स्कूल में ही सोच लिया था कि मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। वाह, आप स्कूल के दिनों से बहुत स्पष्ट थे, यह एक दुर्लभ गुणवत्ता है। धन्यवाद। जब आपने मुझे पहली बार देखा था तो मेरी सबसे पहली छवि क्या थी आप में? क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं? हाँ। मैं बहुत ही आश्चर्य में था क्योंकि आप बहुत ही सुंदर हैं। हाँ, धन्यवाद। आज भी आप सुंदर दिख रहे हैं। फिर से धन्यवाद। क्या
क्या आपको खाना पसंद आया? हाँ, ये वाकई स्वादिष्ट है। क्या आप यहाँ पहले कभी आए हो? हाँ, दो बार। ठीक है। लड़की और लड़के के बीच में अंगूठियों को बदला जाता है, पुजारी मंत्र पढ़ते हैं, मित्र और दोनों तरफ के परिवारों को आमंत्रित किया जाता है और भारतीय रिवाजों के अनुसार सगाई के बाद ही शादी होती है। बेहतर धातु चुनें। पसंदीदा अंगूठी को पसंद करें। एक अच्छा डिजाइन पसंद करें। एक अच्छा संवर्धन चुनें। एक सुंदर हीरे को पसंद करें। बेहतर धातु चुनें। पसंदीदा अंगूठी को पसंद करें। एक अच्छा डिजाइन पसंद करें। एक अच्छा संवर्धन चुनें। एक सुंदर हीरे को पसंद करें। बढ़िया कोशिश थी। आपने जोड़े के लिए सही रिंग बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय लड़की के गहने अपनी आकर्षक डिजाइन के साथ हर किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तव में गहने की सुंदरता बहुत गहरी है। इसे एक महिला के जीवन में सबसे शुभ और सुंदर अवसर के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सुगंध का मिश्रण माना जाता है। आमतौर पर लड़की दोनों हाथों में 21 गहरी लाल और हाथी दांत के रंग की चूड़ियां पहनती है, जिसे चूरा कहा जाता है। चूरा समारोह में मामा की भूमिका का अद्भुत महत्व होता है। चूरा एक विशेष प्रकार की चूड़ियां है जो लड़की द्वारा उसकी शादी के समय पे पहनी जाती है। वास्तव में चूरा जो लड़की शादी कर रही है या नवविवाहित है उसका प्रतीक है। चूरा का एक पूरा सेट बनाओ।
बधाई, आपने लड़की के लिए चूरा का सबसे अच्छा सेट बनाया है। कंकोत्री सही रूप में शादी का निमंत्रण है, जहां सबसे पहले कंकोत्री परिवार की तरफ से भगवान को दी जाती है और फिर करीबी परिवार और दोस्तों में बांटी जाती है। ये कार्ड अपने अद्वितीय पैटर्न, रंग और प्रतीकों के लिए प्रसिद्ध है और मेहमानों को शादी में आमंत्रित करने के लिए यह पहला पहलू है। भारतीय परंपराओं में मेहंदी कई सांस्कृतिक महत्व रखती है। यह एक पूर्व विवाह अनुष्ठान है। ऐसे समारोह में मेहंदी सुंदरता का प्रतीक है, जहां लड़की के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई जाती है। चलो लड़की के हाथों पर एक आकर्षक मेहंदी की डिजाइन बनाते हैं। मेहंदी के कुछ बढ़िया डिजाइन चुने।
कुछ सुंदर चूड़िया चुने। एक अच्छी पारंपरिक रिंग चुने। उसके सुंदर हाथों के लिए एक अच्छा कंगन चुने। हल्दी को एक शुभ विवाह अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। इसमें कई सांस्कृतिक महत्व है। इस समारोह में सभी मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है और हल्दी को उनके रिश्तेदारों द्वारा चेहरे और हाथों पर लगाया जाता है। इस समारोह को लोग बड़े ही उत्साह के साथ पूरा करते हैं। मेहमानों के आने से पहले हम हल्दी समारोह के लिए हॉल को सजाते हैं। पृष्ठभूमि चुने। एक उपयुक्त गद्दा चुने। कुछ मिलान तकिए चुने। हॉल के लिए एक सुंदर कालीन पसंद। हल्दी सबसे महत्वपूर्ण पूर्व विवाह अनुष्ठान में से एक है, जो पूरे देश में धार्मिक रूप से पालन किया जाता है। परंपरागत रूप से लड़के और लड़की दोनों पर हल्दी लगाई जाती है। लोग अपने व्यक्तिगत परिवार के रिवाजों के अनुसार हल्दी और विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। चलो हल्दी समारोह के लिए हल्दी तैयार करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आटा ले। सुंदर। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें। उसमें थोड़ा सा बादाम तेल डालें। अब दूध डालें। तीनों सामग्रियों को ठीक से मिलाएं। मिश्रण हल्दी समारोह के लिए तैयार है। यह हाथ और पैर पर हल्दी को लागू करने का समय है। चलो हल्दी समारोह के लिए लड़की के लिए गहने चुनते हैं। एक खूबसूरत हार चुने। एक अच्छा बाजूबंद चुने। आकर्षित झुमके पसंद करें। एक टीका चुने। सुंदर पायल पसंद करें। अच्छे कंगन चुने। अच्छी तरह से लगाएं।
संगीत समारोह गायन नृत्य मजाक मस्ती के लिए जाना जाता है और शादी में आए मेहमानों के लिए यह सही मौका है आपस में जान पहचान बढ़ाने का। पात्र पर टैप करें, अपनी पसंदीदा नृत्य शैली चुनें। ग्रह शांति हवन मुख्य रूप से हमारे कुंडली के अनुसार हमारे पक्ष से होता है। यह ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने या नष्ट करने के उद्देश्य से होता है। ग्रह शांति हवन जीवन सरल बनाता है और अधिक लाभदायी बनाता है, क्योंकि यह एक ग्रह शांति पूजा है और यह उन सभी सदस्यों में सद्भाव पैदा करने में मदद करता है जो वहाँ पे उपस्थित होते हैं। जीवन में शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, धन और आवृत्ति को निर्धारित करने में यह सहायता करता है। पर्यावरण में सकारात्मकता फैलाने के लिए यह हवन बेहद फायदेमंद है। आइए इन्हें ग्रह शांति हवन में मदद करें। गणेश जी की मूर्ति पर टैप करें, भगवान गणेश कलश पर टैप करें, इसे ठीक से साफ कर लें। तिलक करो, उस पर कुछ चावल लगाए, दीपक जलाइए, धूप जलाइए, मोदक पर टैप करें, फूलों की माला का उपयोग करें, कुछ फूलों की पेशकश करें, कुछ फल चढ़ाएं, आरती करें, इसे दक्षिणावर्त घुमाइए,
बर्तन लीजिए, कुछ मिट्टी डालें, लकड़ी की छड़ी ले, छड़ी के चारों ओर पवित्र कागज लपेटे, इस पर बरगद के पेड़ के पत्ते लपेटे, नाड़ा छड़ी का इस्तेमाल करो, तिलक करो, उस पर कुछ चावल लगाए, मिट्टी में लकड़ी का आधा भाग डाले, कुछ फूल डाले, पवित्र ग्रह शांति हवन वास्तव में अच्छी तरह से हो गया।